तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे बैकअप चैनल कार्तिक यादव केपीएम 2.0 पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आज के दिन का चौथा मैच, जो कि खेला जाएगा बड़ौदा वर्सेस कर्नाटका के बीच में। तो भाई इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ भाई आपको बता दूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। साथ ही मैच काफ़ी अच्छा है यहाँ पर स्मॉल लीग हेड टू हेड खेलने के लिए, हालांकि ग्रैंड लीग के लिए इतनी बड़ी ग्रैंड लीग लगी नहीं। और भाई ग्रैंड लीग अगर आप खेलना चाहो तो खेल सकते, बाकी स्मॉल लीग और एड टू एड के लिए सबसे बेस्ट मैच ही आपके लिए होने वाला है। बात करें अगर वेन्यू की तो वेन्यू आप देख सकते हो यहाँ पर बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी का ये मैदान होने वाला है। यहाँ पर भाई एवरेज मतलब न्यूट्रल विकेट है यहाँ पर, मतलब बैटिंग बॉलिंग की बात करें तो दोनों आपको इक्वली देखने को मिलेंगी। एवरेज स्कोर की बात करें तो 150 से 160 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प रहने वाली है। डेट एंड टाइमिंग की बात करें तो मैच की डेट रहने वाली है आज, यानी कि 8 नवंबर को मैच खेला जाएगा। और डेडलाइन होने वाले भाई 12:30, यानी कि अब से लगभग 2 घंटे 20 मिनट बाद ये मैच स्टार्ट होगा। अगर बात करें भाई यहाँ पर मतलब दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पर बात करें कर्नाटका की तो 3 में से 3 मैच विन करके आ रहे हैं। बड़ौदा की बात करें तो लास्ट का मैच ही विन करके आए हैं, उससे पहले लगातार 2 मैच ये हार के आ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले अगर बात करें आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि टेलीग्राम चैनल भाई आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो फाइनल टीम है फाइनल अपडेट है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है मैंने, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर भाई बाय चांस मान लो टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो आप सीधा सर्च कर सकते हो @KPM Fantasy Expert। जैसे आप ये लिखकर सर्च करोगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चैनल एक बार मैं आपको शो कर देता हूं, यहां से आप देख सकते हो ये हमारा चैनल होने वाला है। 2.4K की फैमिली हमारी अभी कंप्लीट हुई है, इसे और जल्दी आगे बढ़ाना है भाई। और जल्दी जल्दी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ ताकि आपको फाइनल टीम की अपडेट मिल जाए, ठीक है। और अगर बात करें यहां पर दोनों टीम्स के लास्ट मैच की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की तो ये आप देख सकते हो। अगर सबसे पहले बात करें बड़ौदा की तो आप देख सकते हो के देवधर ने 11 रन बनाए, वी सोलंकी ओपनिंग में आए थे इनके साथ 19 रन बनाए, कृणाल पांड्या भाई दूसरे मैच में फ्लॉप रहे थे लेकिन उसके बाद भाई लगातार काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, ठीक है। अगर बात करें दूसरे मैच को छोड़ दे तो आप देख सकते हो पहले मैच में भी इन्होंने 2 विकेट निकाले थे और ठीक ठाक रन भी बनाए थे, और दूसरे मैच में भाई आप देख सकते हो इन्होंने 4 विकेट निकाल के दिए। दूसरा मैच में भाई ये फ्लॉप रहे थे, इन्हें 1 भी विकेट नहीं मिला था। भानु पानिया की बात करें तो 6 रन इन्होंने बनाए, पर्थ कोहली ने 22 रन बनाए। इसके अलावा निनाद राठवा की बात करें तो 33 रन प्लस 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्लेयर आपके लिए होने वाला है, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों जगह कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट दावेदार होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ से बात करें ध्रुव पटेल, इनकी बैटिंग बॉलिंग आई नहीं। अतीत सेठ भाई लास्ट मैच में टॉप ऑर्डर में खेले थे, इससे अब इस मैच में भाई मतलब बैटिंग आई नहीं और बॉलिंग में सिर्फ 1 ओवर डाला जिसमें विकेट लेस रहे। इसके अलावा भाई बात करें कार्तिक काकाड़े की तो आप देख सकते हो 2 ओवर की गेंदबाजी में विकेट लेस रहे। लुकमान मेरीवाला, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्लियरली बताया था कि ये आपके लिए मतलब बेस्ट प्लेयर होने वाला है, आप इसको ट्राई करोगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, तो जिसने भाई से ट्राई किया होगा उसने काफी अच्छा प्रॉफिट यहां पे कमाया होगा, ठीक है। मैंने क्लियरली बोला था ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों जगह कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। अंश पटेल की बात करें तो 1 विकेट अंश पटेल ने भी निकाला है। अब बात करते हैं भाई कर्नाटका की, तो कर्नाटका में काफी सारे सुपरस्टार है, जैसे कि आप देख सकते हो देवदत्त पाडिकल ने 6 रन बनाए, मयंक अग्रवाल ने 28 रन बनाए, मनीष पांडे, करुण नायर, मतलब सारे एक से एक प्लेयर इसमें है। आप देख सकते हो मनीष पांडे ने यहाँ पर 51 रन की काफी अच्छी पारी खेली, करुण नायर ने 6 रन बनाए, अनिरुद्धा जोशी की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने 23 रन की काफी अच्छी पारी खेली, कृष्णप्पा गौतम ने भाई 4 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट निकाला, हालांकि रन सिर्फ 7 ही बनाए, शरद बिहार की बात करें तो 7 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा भाई बात करें जगदीशन सुचित की तो 6 रन बनाए प्लस 1 विकेट इन्होंने निकाला, करियप्पा की बात करें 4 ओवर में विकेट लेस रहे, विजय कुमार वैसक की बात करें तो 3 विकेट निकाले। इसके अलावा भाई दर्शन एमबी की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने 2 विकेट निकाल रखे हैं, तो ये दोनों प्लेयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा भाई आप चाहो तो करियप्पा को भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बॉलर है, हालांकि लास्ट मैच में विकेट नहीं निकाले लेकिन भाई फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर आपके लिए रह सकता है, ठीक है। अब भाई मैं आपको जल्दी से एक बार टीम बना के दिखा देता हूँ, जो डेमो टीम आपको मैं देने वाला हूँ वो आप टीम यहाँ से देख सकते हो, और अगर इसमें भाई कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहां से भाई मैं के देवधर को ट्राई कर रहा हूं, ग्रैंड लीग वाले बी शरद को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें मनीष पांडे हमारी टीम में रहेंगे, वरुण सोलंकी को आप ट्राई कर लेना ओपनिंग में आएंगे, यहां से देवदत्त पाडिकल, मयंक अग्रवाल दोनों को मैं ट्राई कर रहा हूं, आप चाहो तो आप करण नायर को ट्राई कर सकते हो लेकिन मैं अभी ट्राई नहीं कर रहा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो भाई ऐसे श्रेयस गोपाल अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, कृणाल पांड्या हमारी टीम में जरूर रहेंगे,
ठीक है। इसके अलावा अतीत सेठ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा बात करें तो ऐसे कृष्णप्पा गौतम को मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप चाहो तो वी विजय कुमार मतलब विजय कुमार वैस को आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। अगर आप इसको ट्राई करो तो आप ऐसे अतीत सेठ को ड्रॉप करके विजय कुमार को ट्राई कर सकते हो। मैं अभी विजय कुमार को ट्राई कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं फाइनल टीम में मैं इसे रखता हूँ या नहीं रखता, ये आपको बता दूंगा। बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, तो ये लास्ट वाला मैच इन्होंने खेला नहीं, इससे पहले इन्होंने मैच खेला था, तो मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ। आप चाहो तो लुकमान मेरीवाला को भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है। बात करें के करियप्पा की, तो इसको जो आप ट्राई कर सकते हो। जगदीशा सुजीत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग सेक्शन में दे रखा है लेकिन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आपके लिए दे सकता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है। अब अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन भाई यहाँ से आप इजिली बना सकते हो। मतलब मैं तो कैप्टन मयंक अग्रवाल को बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन भाई मैं कृणाल पांडे को बना रहा हूँ। आप अगर चाहो तो आप जैसे कैप्टन सेफ जाना चाहो तो आप यहाँ से मनीष पांडे को बना सकते हो, देवदत्त पाडिकल को बना सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन है आपके पास। साथ ही अगर आप चाहो तो आप यहाँ से कृणाल पांडे को भी कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है, ठीक है। बाकी अभी के लिए मैं कैप्टन बना रहा हूँ मयंक अग्रवाल को, वाइस कैप्टन है मेरे कृणाल पांड्या, ठीक है। आप अगर चाहो तो आप इन्हें रिवर्स भी कर सकते हो। साथ ही और अगर बात करें तो मैं आपको एक बार कैप्टन वाइस कैप्टन मार्क कर देता हूँ, कृणाल पांड्या, मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे और देवदत्त पाडिकल। करुण नायर को ट्राई करते हो तो उसको बना सकते हो। साथ ही कृष्णप्पा गौतम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ये भाई कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाले हैं, और अभी के लिए भाई ये हमारी टीम होने वाली है। और जो बिल्कुल फाइनल टीम है वो मैं आपको टेलीग्राम पर मैच से पहले पोस्ट कर दूंगा, जैसे ही टॉस होगा टॉस की अपडेट के बाद मैं आपको टीम पोस्ट कर दूंगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।